सतवास में ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती पखवाड़े के अंतर्गत भगवान परशुराम जी की शौर्य यात्रा निकाली गई, जो यात्रा तालाब वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ की गई। यात्रा में बैंड बाजे और डीजे की थाप पर महिला पुरुष नारेबाजी करते हुए यात्रा में सम्मिलित हुए। यात्रा का नगर में नागरिकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। परशुराम शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। यात्रा बाजार चौक श्री राम मंदिर बस स्टैंड से होते हुए रेवाशेष गार्डन पहुंची, जहां समाज जनों द्वारा भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में समाज जनों के द्वारा सभोज का भी आयोजन किया गया था। समाज जनों द्वारा प्रतिभाशाली तथा समाज का नाम रोशन करने के लिए विद्यार्थियों के साथ ही ब्राह्मण समाज के नाम को कोरोना काल जैसी महामारी में गौरवान्वित करने के लिए कलमकार बंटी जोशी, राजेश जोशी, हरिओम तिवारी, संजय शर्मा, योगेश शर्मा का और साथ ही भोजन सामग्री वितरण करने वाले मनदीप शर्मा, दिलीप शर्मा, बंटू जोशी तथा सरकार ग्रुप के माध्यम से भोजन वितरण हेतु मोहित शर्मा का पुष्प माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के महिला पुरुष तथा बच्चे उपस्थित थे। सतवा से जीतू सिंह की रिपोर्ट। उसमें जो भी कमाता है उसका 10% हिस्सा वो समाज सेवा के लिए रखता है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति भवन का वहाँ का चौकीदार हो, वो दोनों अपने समाज के लिए 10-10% रखते हैं। और हमारे समाज में जिन्होंने आयोजन किया है इनसे पूछता कि कितनी तकलीफ उठाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।